हेलो, माय नेम इज़ पूर्णिमा। वेलकम माय यूट्यूब चैनल वॉलमन आर्ट एंड फैशन। आज मैं आपको बेबी साड़ी की कटिंग और स्टिचिंग दोनों बताने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर मैंने छोटी बॉर्डर वाली साड़ी ली है और 1.5 मीटर अस्तर है, तो सबसे पहले हम अस्तर की कटिंग करेंगे। यहाँ पर मैंने अस्तर को डबल फोल्ड करके रखा हुआ है। बन वाली साइड मेरी तरफ है और खुली वाली साइड उस तरफ है। तो सबसे पहले हम कपड़े को सीधा कर लेंगे और यहाँ से हम लेंथ का निशान लगाएंगे। तो जितनी भी आपको लेंथ चाहिए उसकी मार्किंग हमें यहाँ पर इस तरह से करनी है। अब यहाँ पर जितनी भी कमर है उसका सेकंड पार्ट हमें यहाँ पर मार्क करना है और नीचे से जितना भी आपको घेर चाहिए उतनी आप मार्किंग कर सकती हैं और इसे इस तरह से जॉइन कर लेना है और साइड में 1 इंचेस की मार्जिन भी मैंने यहाँ पर प्लस की है। अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग पूरी होने के बाद हम यहाँ से इस तरह से डबल फोल्ड करके एक सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है। बॉटम में सिलाई लगाने के बाद अब हम यहाँ से साइड में एक सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हमें 1 इंच की मार्जिन छोड़कर सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद हम इसे सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसे सेंटर में कट्स लगाएंगे। अब हम साड़ी की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने पल्लू वाली साइड ओपन की है। ये मेरे लेफ्ट साइड में पल्लू वाली साइड है। तो अब हम यहाँ से पल्लू की मार्किंग करेंगे। जितनी भी हाइट है उससे डबल हमें पल्लू की मार्किंग करनी है। तो इस तरह से हमें मार्किंग करके कट लगाना है। अब हम यहाँ से 1.5 मीटर कपड़ा छोड़ देंगे और एक मार्किंग करेंगे। अब हम अस्तर को मेजर करेंगे कितना है और उसी हिसाब से हम यहाँ पर उसकी मार्किंग करेंगे, मतलब कमर का सेकंड पार्ट हमें यहाँ पर मार्क करना है। और बाकी बचे हुए कपड़े को हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से सीधी मार्किंग करके हमें बचे हुए कपड़े को कट कर लेना है। अब आपको जितनी भी लेंथ चाहिए उसमें 1 इंचेस प्लस करके आपको लेंथ की मार्किंग करनी है। इस तरह से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और इसकी कटिंग कर लेनी है और बचे हुए कपड़े को हमें निकाल लेना है। अब यहाँ पर मैंने जो बचा हुआ कपड़ा है वो मैंने पल्लू की साइड से लिया है। अब हम इसे 1/2 इंच छोड़कर बॉर्डर को कट कर लेंगे। इस तरह से हमें बॉर्डर को कट कर लेना है। अब हमें इस बॉर्डर को साड़ी के पल्लू से जॉइन कर लेना है। जहाँ से कपड़ा कट किया हुआ है उसे हम इस तरह से बॉर्डर को अटैच करेंगे। इस तरह से फोल्ड करके हमें बॉर्डर को अटैच करना है और सीधी सीधी सिलाई लगा लेनी है।
इस तरह से हमारा पल्लू तैयार है। अब जो साड़ी के शुरुआत से जो कपड़ा है उससे हमें इस तरह से फोल्ड करके सीधी सिलाई लगा लेनी है। अब हम इस तरह से अस्तर को सेंटर में रखेंगे और यहाँ से पिनअप कर लेंगे और इस तरह से यहाँ से हमें गोल सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद हमने जो 1.5 मीटर कपड़ा छोड़ा था उसकी हमें प्लेट्स बना लेनी है, तो हमें पल्लू तक प्लेट्स बना लेनी है। तो इस तरह से हम प्लेट्स बनाएंगे। बच्चे के हिसाब से हमें छोटे छोटे प्लेट्स बना लेने हैं। प्लेट्स बनाने के बाद हमें इस तरह से पिनअप कर लेना है। पिनअप करके हमें इस प्लेट्स के ऊपर से एक सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से हमें सिलाई लगानी है। इसके बाद हम साड़ी में नेपा ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2.5 इंच लंबी पट्टी कट कर ली है। इसे हम बीच में से इस तरीके से बराबर से आधी फोल्ड करेंगे और सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर मैंने साड़ी में एक साइड में छोटा सा कट किया है, तो नेपा को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ इस पॉइंट पर रखकर हम 1/2 इंच के हिसाब से सिलाई लगाएंगे और फिर से नेपा को अंदर की तरफ पलट कर एक और सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमें साड़ी में नेपा ज्वाइन कर लेना है। देख सकते हैं इस तरह से हमें नेपा ज्वाइन कर लेना है और ये हमारे प्लेट्स है। यहाँ पर भी मैंने एक छोटी सी सिलाई लगाई है ताकि ये प्लेट्स अच्छी तरह से एक ही जगह पर रहे। तो इस तरह से हमारी बेबी साड़ी बनकर तैयार है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thanks for watching.